हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको नन्ही कमसान ने गाया है, अपर कोमर। इसका ये गाना का कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न, सोलो सभी देखेंगे हम। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके, सो शुरू करते हैं। तो पहले बात तो कोर्स कितने हैं, कितने कोर्स, कौन कौन सा कोर्स लगे हैं, मैं इसको बताता हूँ। चार कोर्स लगे हैं, वो है ओपन जी, देन ई माइनर सेवन एक बार देख लीजिए, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 एंड देन तीसरा कोर्ड है C8 9 एंड देन चौथा है D सस्पेंडेड कॉर्ड। अगर इंट्रो का बात करेगा तो इंट्रो ऐसे बजाते हैं, ये चारों कॉर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ कि आप बेस नोट पकड़ में आपको करना है। ये जी के लिए ये होगा जी पकड़ के 6th स्ट्रिंग एंड देन E माइनर 7 के लिए भी 6th स्ट्रिंग एंड देन सी के लिए 5th स्ट्रिंग, डी सस के लिए 4th स्ट्रिंग। सो बेसिकली इसका फिंगर फिटिंग तरीका ऐसे हुआ, ये 1 स्ट्रिंग नंबर 1 2 3 को एक साथ पिक करने से, इसके बाद सेफ मारना है एंड देन फिर से वही सेम चीजें हो रहा है, लेकिन सेकेंड दूसरी बार अगर करेगा तो उसमें थोड़ा सा गैप करके करना है ये, इसके बाद थोड़ा गैप करके ऐसे ऐसे। ओके, इसके बाद इंट्रो का सेकेंड पार्ट आता है। इसमें आपको क्या करना है कि पार्ट्स दो, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा बदल देना है, वो है डाउन करना है, अप करना है। डाउन यानी वो स्ट्रोक वाला डाउन नहीं, स्लाइड वाला डाउन। ओके, उसके बाद सेम ऐसे। ओके, सो होल गाना ऐसे ही बजेगा, मतलब गाना में भी यही बजाएंगे आप, इंट्रो वाला वो वाला नहीं बजेंगे, ये वाला ये भी बजा के गा सकते हो, लेकिन आप गाना ध्यान से सुनेगा तो ये बेहतर रहता है। लाइक दिस एंड देन गाना का साथ बाद में प्ले करेंगे तब कैसे बजाना है वो है। और इसका सोलो पार्ट है, मैं अलग से लास्ट में ऐड करूँगा सोलो कैसे बजाना है। सो फिलहाल ये जानना है कि कैसे फिंगर फिकिंग है और कौन कौन सा कोर्ड्स लगे हैं, और जिसको फिंगर फिकिंग नहीं आते हैं वो कैसे बजाए, वो इस तरीके से बजा सकते हैं। बेसिक थिंग से आपको जानना जरूरी है कि आप डाउन स्ट्रिक जब भी मारेंगे, डाउन स्ट्रोक आई मीन, तो बेस स्ट्रिंग्स पर मारेंगे। ओके, एंड देन आप स्ट्रिंग के लिए ये ट्रिबल स्ट्रिंग को बजाएंगे, इसे वही सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं जैसे फिंगर पिकिंग में हुआ था, डाउन अप सेव डाउन सेव। नहीं, यहाँ भी सेम बात है, आप सेकेंड वाला फार्ट में थोड़ा सा डाउन का बात टाइम लेना है। ओके, आप समझ गए होंगे।
ओके सो लेट्स प्ले विथ सॉन्ग, गाना का साथ प्ले करके देखते हैं अब कैसे लगते हैं. एक बात आप नोटिस किया होगा, नोक आजे नमने मुपाद अम्ला, इसमें कोर्ड फ्लो में थोड़ा शिफ्टिंग है, सो आपको ये ध्यान रखना है बजाते समय. यानी आप जी से डी सस में जाएंगे और देन सी एट में जाएंगे ऐसे. ओके कंटिन्यू करते हैं. अजन नमने हपादुमला पिकिंग भी यूज़ किए और स्टामिंग भी यूज़ किया. सो ऐसे ही बजेंगे और अब आते हैं सोलो सेक्शन में. सेक्शन शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ, गिटार ट्यूनिंग है स्टैंडर्ड
सो आप भी गिटार स्टैंडर्ड में ट्यून करके ही बजाना, क्योंकि गाना का साथ मैच होने के लिए. ओके, सो एक चीज़ है कि मैं आपको हर एक नोट को ऐसे ऐसे बताते रहूँगा तो शायद ज़्यादा ही समय कहेंगे, तो मैं स्लो स्लो करके दिखाऊंगा. फर्स्ट बजाएंगे, फिर स्लो करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो फोज पोज या फिर कुछ भी करके सीख लेना. ओके, तो शुरू करते हैं. तो एक इंट्रो जैसे है, जैसे ये दोनों ही सोलो का पल्स सेक्शन में लगेंगे. ओके, मैं कैसे बजा रहा हूँ, स्लो से मैं बजाता हूँ. उसके बाद फिर एक बार सोलो से करके दिखाता हूँ. ओके, ये पहला पार्ट का यहाँ कंप्लीट होता है. इसके बाद फिर से दूसरा शुरू करेंगे यही से. फिर से स्लो से. ये पहला सोलो खत्म हुआ यहाँ पे. हम बजा के देखेंगे गाना के साथ. ओके, नमनेम पादुवमला नोक अजन नमने हादुवमला गाना. उसके बाद गाना आ जाता है, तो उसके बाद अभी दूसरा सोलो भी देखते हैं. सेकंड सोलो में भी वही सेम इंट्रो जैसे एक पार्ट है, ये इसको फिर से बजाना है. ओके, उसके बाद आएंगे. मैं कैसे बजा रहा हूँ, 10th fret, second stanza. दो बार हाँ, लेकिन इसका एक टेम्पो जो है अलग अलग है. ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, फिर से दिखा देता हूँ. 7, 8, 7 हमारिंग एंड देन 9 कैसे. ओके, उसके बाद यहाँ ऊपर ये वाला पहले पार्ट में भी हमने किया था.
उसके बाद ये करना है. ओके, सो लेट्स प्ले विद द सॉन्ग. सो दैट्स ऑल. और तो आपको बता ही दिया कैसे बजाना है गाना. सो यहाँ तक कंप्लीट है. शायद फिर से मैं बोलूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी कहीं गाने पे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ. And lastly, thank you for watching.